हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। हाउ आर यू ऑल? होप सो योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। टुडेज वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 24th एग्जाम ऑफ UPPCS प्री 2021 के लिए। ये वीडियो बहुत जरूरी है, सब लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई एम गोइंग टू डिस्कस 5-day स्ट्रेटेजी फॉर द PT एग्जाम ऑफ UPPCS। UPPCS के कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और वही आपको रिवाइज करके जाना है। इन 5 दिन में आप यही टॉपिक्स रिवाइज करके जाइएगा तो आपका PT में क्वेश्चन जो है मैक्सिमम करेक्ट होंगे और आप इजिली PT क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अप्लाई भी करिएगा, इसी चीज़ों को रिवाइज करके जाइएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ बिकॉज यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे और आप कट ऑफ इजिली क्लियर कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, मैंने ऑलरेडी सुपर सीरीज 2 प्रोवाइड कर दी है, 2 वीडियोज मैंने प्रोवाइड करी है UPPCS के लिए। तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम। और अभी जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी, उस वीडियो को भी आप जरूर देखकर जाइएगा एग्जाम से पहले। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5-day स्ट्रेटेजी फॉर द एग्जाम। दिस इज टॉपिक वाइज क्वेश्चन एनालिसिस फॉर द GS पेपर 1। 2 पेपर होंगे, GS पेपर 1-2। पेपर 1 में कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब्जेक्ट को आपको ज्यादा फोकस करना है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया और नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं। यहाँ से 20-24 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ इसको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। सेकेंड नंबर पे आपको रिवाइज करना है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ से 22-25 क्वेश्चन आएंगे। एंड थर्ड नंबर पे आपको इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस को रिवाइज करना है, यहाँ पे 15-17 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स को रिवाइज करना है, जितना भी करंट अफेयर्स का पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ के जाएगा, बिकॉज वहां से 20-22 क्वेश्चन आएंगे जरूर एग्जाम में। करंट अफेयर की वीडियो के लिए आप सुपर सीरीज जो है मेरी वो जरूर अटेम्प्ट करके जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वहां पर कवर कर दिए हैं। उसके बाद जो है पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन सेंसस से क्वेश्चन आएंगे, अराउंड 5-8 क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 15-17 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। इकोनॉमिक्स से जो है बजट सर्वे से 12-14 क्वेश्चन आएंगे। स्कीम से 1-4 क्वेश्चन आते हैं और उत्तर प्रदेश से भी बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, 5-8 क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट्स इवेंट से भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं और इस बार जो है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आ सकते हैं, तो इसलिए स्पोर्ट्स वाला पोर्शन जो है आप अच्छे से कवर करके जाइएगा। आप टॉपिक्स की बात करते हैं कि इन इन सब्जेक्ट्स में आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। GS पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बिकॉज मेरिट लिस्ट जो है वो GS पेपर 1 से बनेगी। GS पेपर 2 जो है वो स्कोरिंग मार्क्स नहीं है, बिकॉज ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% मार्क्स ही आपको इसमें लेके आने हैं। तो इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं। सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट से आपको क्या क्या रिवाइज करना है, तो सबसे पहले आपको एंशियंट इंडिया में हड़प्पन और इंडस सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ के जाना है। वहां पर कौन कौन सी साइट्स हैं, कौन सी सिटी कौन सी रिवर पे है, ये सब आपको अच्छे से देख के जाना है और इसमें आप पोर्ट सिटीज को अच्छे से रिवाइज कर लेना। आफ्टर दैट आपको वैदिक कल्चर में 4 वेदास जो हैं वो अच्छे से आपको रिवाइज कर लेना है। उसमें सामवेद में क्या है, ऋग्वेद में क्या है, ये सब आप यजुर्वेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, ये एक बबार आप देख लेना अच्छे से। आफ्टर दैट आपको 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी रिवाइज करके जाने, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में जरूर। आफ्टर दैट आपको डायनेस्टीज की डेट याद रखेंगे, कौन सी डायनेस्टी कब आई थी और कौन उसका रूलर था, कौन फाउंडर था उस डायनेस्टी में, और कौन सी डायनेस्टी की कैपिटल किसने चेंज की थी, तो ये आपको जरूर देख के जाना है। आफ्टर दैट यू हैव टू कवर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पोर्शन आपको अच्छे से कवर करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। यहाँ पर आपको ग्रेट इवेंट जो है बुद्धाज लाइफ के, कि कहाँ पर उनका बर्थ हुआ, रिनन्सिएशन कहाँ हुआ, एनलाइटनमेंट कहाँ हुआ, सर्मन कहाँ दिया फर्स्ट, तो ये सारी साइट्स आपको अच्छे से कवर करनी है। आफ्टर दैट यू हैव टू कवर बुद्धिस्ट काउंसिल्स, कौन सी काउंसिल कहाँ पर हुई है और कौन चेयरमैन थे, कौन पैट्रन थे, ये आपको रिवाइज करना है अच्छे से। अब इम्पोर्टेंट जो एग्जाम के लिए मौर्यन पीरियड है, यहाँ पर आपको अशोकन पीरियड को बहुत अच्छे से कवर करना है। जो अशोकन एडिक्ट्स है और इनकी इंस्क्रिप्शंस है, रोकट एडिक्ट्स हैं, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। आफ्टर दैट आपको पोस्ट मौर्य और गुप्ता पीरियड को भी रिवाइज करना है। समुद्र गुप्ता, चंद्र गुप्ता, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, तो इनके आपको किंग्स के और एम्बेसडर के नेम भी याद रखने हैं, एंड इम्पोर्टेंट ऑफिशियल जो थे उनके नाम भी याद रखने हैं, वो भी एग्जाम में आता है। साउथ इंडियन हिस्ट्री आपको विजयनगर एम्पायर को अच्छे से कवर करके जाना है, बिकॉज वहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहता है। ऑल्सो रिवाइज चोलास पीरियड, पलवास पीरियड, राष्ट्रकूटास पीरियड भी आपको वहां से देखकर जाना है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। सल्तनत पीरियड में आपको अच्छे से, सल्तनत पीरियड में स्लेव डायनेस्टी, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से क्वेश्चन रहता है, तो इनका रूल आप अच्छे से रिवाइज कर ले। साथ में आपको खिलजी डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी को भी अच्छे से रिवाइज करके जाना है।
मुगल पीरियड आपको बाबर अकबर औरंगजेब का पीरियड जो है वो अच्छे से कवर करके जाना है, और इम्पोर्टेंट बैटल्स यहाँ से आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा सारे। जहांगीर में जो है आपको कल्चर पार्ट अच्छे से रिवाइज करना है बिकॉज वहां से क्वेश्चन आता है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपको गवर्नर जनरल अच्छे से रिवाइज करने हैं, कांग्रेस के सेशन कौन सा कहाँ पर हुआ है और सारे प्लान, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब आपको रिवाइज करना है। क्रिप्स मिशन, वेवल प्लान, यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो रिवाइज द गांधी नेरा में से भी क्वेश्चन आता है, गांधी पीरियड के सारे जितने भी मूवमेंट्स है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से भी क्वेश्चन रहता है, और इम्पोर्टेंट जो ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशन हुई है वहां से भी क्वेश्चन रहता है, तो वो सब भी ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सी एसोसिएशन के कौन से हेड है, किसने स्टार्ट की थी, फाउंडेशन किसने की थी, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। कम टू ज्योग्राफी ऑफ इंडियन वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में आपको सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट पासेज हैं कहाँ कहाँ पर है, लाइक उत्तराखंड में माना, नाथुला, सिक्किम, ये सारी पासेज आपको अच्छे से जम्मू कश्मीर की और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की और नॉर्थ ईस्ट की सारी पासेज आपको अच्छे से रिवाइज करके जानी है। सेकेंड थिंग आपको जो है माउंटेन्स और वैलीज अच्छे से रिवाइज करनी है कि कौन सी वैली कहाँ पर है, कौन से माउंटेन्स कहाँ पर है, साउथ और नॉर्थ दोनों के पूछ सकते हैं, तो ये अच्छे से मैपिंग वाला पार्ट आप कवर कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो न्यूज में है वहीं से क्वेश्चन आएगा, तो बायोस्फीयर रिजर्व अच्छे से पढ़ लेना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है वो सब भी अच्छे से मैपिंग के थ्रू देख लेना, कौन कौन सी न्यू ऐड हुई है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट लेक्स जो है सिटीज के साथ कौन सा लेक कहाँ पर है ये भी सब रिवाइज कर लेना। उसके बाद आपको एक क्रॉप्स पढ़नी है, कौन सी क्रॉप्स कहाँ पर मिलती है, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप से क्वेश्चन आएगा, ये जरूर देख लेना कि कौन सी क्रॉप राबी है कौन सी खरीफ है। आफ्टर दैट जो है आपको मिनरल्स देखने हैं, कौन सा मिनरल कहाँ मिलता है, तो इंडिया और वर्ल्ड दोनों का पूछता है कि सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन किसका, कौन से मिनरल का, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप न्यू डाटा जो है वो जरूर रिवाइज करके जाइएगा उसका। ऑल्सो रिवाइज द रिवर सिस्टम विद ट्रिब्यूटरी, कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको डैम्स देखनी है, माउंटेन्स देखने हैं कि कौन सी माउंटेन रेंजेस कहाँ पर है, और विंड सिस्टम और करंट्स देखने हैं, ओशन करंट से भी क्वेश्चन आएगा, तो ये सब आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपको मैच द फॉलोइंग फॉर्म में पूछेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट पोर्ट्स और कंट्रीज भी पूछ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स जरूर देख के जाना। एंड ऑल्सो रिवाइज द ट्राइब पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन सी ट्राइब्स मिलती है ये पार्ट भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है। साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सब कवर कर लेना क्योंकि न्यूज में रहता ही है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर रहता है, ये भी आप पार्ट अच्छे से कवर कर लेना। पॉलिटी की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले आपको सारे आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स एक्ट पढ़नी है, उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को जरूर देख के जाना है, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वाले चैप्टर जरूर रिवाइज करके। करंट न्यूज में जो क्वेश्चन चल रहा है लाइक एनएचआरसी के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड करके पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आप अच्छे से देख के जाना करंट में कौन कौन सी कमीशन के कौन चेयरमैन है। ट्राइबल पार्ट एंड सिटीजनशिप वाला पार्ट भी आपको देख के जाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन जरूर आएगा, और कहाँ से इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं ये सब आपको लेजिस्लेशन अच्छे से देखकर जानी है। इंडियन इकोनॉमिक्स पे आते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स में जो है करंट बेस क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर आपको बजट और यूनियन बजट पे मैंने ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की रही है, तो वहां से आप क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, तो बजट, यूनियन बजट, यूपी बजट अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा बिकॉज उसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, ये सब अच्छे से देख लेना। इंपॉर्टेंट थिंग ये सर्व शिक्षा अभियान है लाइक ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, ये सब ईयर्स भी पूछ सकते हैं, तो फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, तो कौन सी ईयर में कौन सा प्लान शुरू हुआ है, कौन सी स्कीम आई है, तो उसके ईयर एक बार जरूर देख लेना जो अभी न्यूज में चल रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो जरूर पढ़ के जाना, नीति आयोग से भी क्वेश्चन आता है। एंड ऑल्सो रीड द करंट इंडेक्सेस की इंडिया की रैंक कौन से इंडेक्स में कितनी है, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी है, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट में कितनी है, तो ये सारे इंडेक्स एक बार आप रिवाइज कर लेना विद इंडिया और टॉप पे कौन सी कंट्री है। जनरल साइंस के लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में जो पूछे हैं वो क्वेश्चन सबसे पहले रिवाइज कर लेना बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं जनरल साइंस के, तो जितने भी 10 ईयर के क्वेश्चन है वो सब रिवाइज कर लेना, वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आपको दिखेंगे। नाउ कम टू एनवायरमेंट एंड एग्रीकल्चर पार्ट, तो एनवायरमेंट में आपको सबसे पहले इको सिस्टम को अच्छे से रिवाइज कर लेना कि इको सिस्टम लाइक आर्टिफिशियल इको सिस्टम पूछ सकते हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन जो न्यूज में चल रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और गैसेस जो है इंपॉर्टेंट गैसेस वहां से लाइक कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ग्रीन हाउस गैसेज है, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है। पोल्यूशन का टॉपिक आप अच्छे से कवर करके जाइएगा बिकॉज पोल्यूशन से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में।
थिंग इज सेंसस जो है अच्छे से देख के जाना है, सेंसस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो सेंसस भी आप पॉपुलेशन वाले पार्ट में अच्छे से कवर कर लीजिएगा, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। लास्ट वन इज द करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट, तो करंट अफेयर से 20 to 25 क्वेश्चन आएंगे, तो करंट अफेयर का पार्ट आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना है, और 5 डेज में आपको कोई भी नया करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स सिर्फ वो पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर्स के, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं सुपर सीरीज 2 में 1 में और आने वाले सीरीज में भी, वो क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, बिकॉज वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो करंट अफेयर पार्ट को सारी जो आपने रिवीजन मैंने आपको टॉपिक्स बताए उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, कोई भी चीज न्यू मत पढ़िएगा, जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए यहीं से क्वेश्चन आएंगे, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, करंट अफेयर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, तो आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, सो दैट आप इजिली पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। Welcome to General Studies Paper 2 CSET के पेपर में नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में, तो CSET में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो वही क्वेश्चंस अच्छे से बनाइएगा जो आपको आते हैं। पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 1 में 150 क्वेश्चंस आएंगे, तो जिसके पेपर 1 में 95 के आसपास 95 टू 96 क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं मेल कैटेगरी में, एंड फॉर फीमेल कैटेगरी 86 टू 90 के आसपास क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द अनरिजर्व कैटेगरी, तो आप जो है अनरिजर्व कैटेगरीज की बात मैंने आपको बताई है, रिजर्व कैटेगरी के लिए आप 10 प्लस और 10 माइनस कर लीजिए, तो इसी के आसपास जो है कट ऑफ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो एंड 5 डे स्ट्रैटेजी फॉर द प्री एग्जाम, आप इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो कीजिएगा और ये सारी चीजें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए, सो दैट वो भी इजिली एग्जाम को क्रैक कर सके और सारी चीजें रिवाइज कर सके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सुपर सीरीज 3 प्रोवाइड करूंगी, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के, स्टैटिक पार्ट के, तो उस सीरीज को जरूर देखेगा उस वीडियो को एग्जाम से पहले। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।